हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए लगातार मैराथनों की बौछार द स्टडी कैफे ने की है। सैटरडे हम लोग नाइट को मैराथन में थे, 2 से 2.5 घंटे। संडे को हम लोगों ने रीट के पेपर का एनालिसिस किया। मंडे को हम लोगों ने प्रैक्टिस ईयर सेशन लिया प्रीवियस ईयर का। ट्यूसडे को कल कुंडारा सर के साथ मैराथन थी। आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और कल फिर फुल नाइट मैराथन है। तो मतलब चिल्ड है मौसम, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहीं ओके रुकावट नहीं आएगी आपकी पढ़ाई में। भाड़ में जाए आईपीएल और भाड़ में जाए मौज मस्ती। अभी हमें केवल टारगेट करना है अपने सपनों को। सपनों को टारगेट करेंगे और वो मंजिल पाएंगे जिसके लिए हम 2 से 3 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। तब तक अड़े हुए हैं तब तक आप अपनी जिद पूरी नहीं कर लेते। आपकी जिद में एक जिद हमारी भी कि भैया इस बार हमारे बच्चे जरूर से जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर अपने आप को सेलेक्ट करें। ये मेरी कोशिश है और यही मेरा इरादा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज वही प्रीवियस ईयर के जो ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन भले ही तगड़ा ना हो, एक्सप्लेनेशन हमेशा तगड़ा होगा, हमेशा मजेदार होगा, हमेशा वजनदार होगा। ठीक है, तो सेशन को शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस सेशन को एंजॉय करें। लीजिए, क्वेश्चन ये रहा भैया आपसे पूछा गया, ए पॉजिटिव व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है। ए पॉजिटिव व्यक्ति, देखिए दोस्तों, ब्लड देने लेने की बात के लिए मैंने डायग्राम आपको बताया था। ए ए को दे सकता है, ए से ले सकता है। बी बी को दे सकता है, बी से ले सकता है। ओ ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है। और ए बी ए बी को दे सकता है, ए बी से ले सकता है, है ना? क्लियर, ये तो हमने डिस्कशन किया। यहां पर आप राउंड लगा लेंगे ऐसे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओ सबको दे सकता है तो सारे तीर ऊपर की तरफ छोड़ देंगे ऐसे। अब जब भी आपको ब्लड लेने देने की बात करे तो आप ये देखेंगे कि अगर चोंच हमारी तरफ आ रही है तीर की तो हम ब्लड ले रहे हैं, और चोंच अगर हमारी तरफ से जा रही है तो हम ब्लड दे रहे हैं। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है एक किस किस से, एक किसको देगा, बताइए। ये रहा ए, एक तो दे रहा ए को और एक दे रहा ए बी को। तो बताइए एक किस किस को देगा, एक तो देगा ए को और एक देगा ए बी को। उसके बाद दोस्तों समझिए, जब बात पॉजिटिव नेगेटिव की चली तो दोस्तों मैंने बताया था पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव को ही चढ़ाया जाता है, नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को भी चढ़ाया जाता है और नेगेटिव को भी चढ़ाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाली बॉडी में नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर बच्चों, ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन का। ये जुगाड़ याद रखना, ये जुगाड़ पढ़ लो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। और इस जुगाड़ के बाद, ये जो जुगाड़ आप देखेंगे, इस जुगाड़ के बाद आपको ये ध्यान रखना है, प्लस का ब्लड केवल प्लस को, माइनस का ब्लड माइनस को भी जाएगा और प्लस को भी जाएगा, है ना? इसका मतलब प्लस का ब्लड किसी भी सूरत में, प्लस का ब्लड किसी भी सूरत में माइनस को नहीं जाएगा। क्लियर, ये कंसेप्ट अगर आपको याद है आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन सही कथन छांटिए भैया, सही कथन छांटेंगे। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए, लाइव बैच और रिकॉर्डेड क्लास में अंतर है राहुल सैनी। लाइव बैच में आप लाइव पढ़ते हैं, लाइव बैच में आप जो कमेंट करते मुझे दिखता है, ठीक है। रिकॉर्डेड वर्जन में पहले से क्लास रिकॉर्ड हो जाती है और उसको एक फिल्म की तरह चला दिया जाता है स्क्रीन पे, ये डिफरेंस है, है ना? चलिए ओके, चलिए। अमरजीत सिंह की एक लाइन आई, मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, मुझे किसी से मिलने की दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात काफी है। बहुत बढ़िया, आप अपने आप में पूरी एक दुनिया हो, पूरा एक समंदर हो, इतने विचार
इतने प्रकार के इंसान हमारे एक इंसान में रहते हैं। कभी मैं अच्छा बन जाता हूँ, कभी मैं बुरा बन जाता हूँ, कभी मैं ईमानदार हो जाता हूँ, कभी मैं बेईमान हो जाता हूँ, कभी मैं बचपन की तरह बच्चा बन जाता हूँ तो कभी मैं बहुत गंभीर हो जाता हूँ। तो मेरे अकेले के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जाने कितने कितने रूप, जाने कितने स्वरूप विद्यमान हैं, तो काफ़ी है आपको खुद में मस्त रहने के लिए। ठीक है, चले बच्चों तो जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या घट जाती है। यार पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आरबीसी घटने की जगह क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, आरबीसी आसुत जल में सिकुड़ जाती है। नहीं, आरबीसी आसुत जल में क्या हो जाती है, फट जाती है। आरबीसी को डिस्टिल वाटर में डालोगे फट जाएगी। सोते समय आरबीसी घट जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात 600:1 गलत है यार। क्यों? क्योंकि उल्टा लिख दिया है। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, 600:1 होता है। यानी अगर डब्ल्यूबीसी आरबीसी दिया है तो 600:1 की जगह 1:600 दिया जाना चाहिए था। बात समझ में आ गई क्या? प्रिया कुमारी कह रही हैं सर आप पतले हो गए, कोई ऐसे कहता ना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, तुम्हारे लिए जब पेपर पास करना, एग्जाम की तैयारी करना जो है वो मेरे लिए, मेरी बॉडी को मेंटेन करना है, तो अभी उसी पे प्रयास दिन रात चल रहा है। अमरजीत सिंह कह रहे हैं मिलेंगे आपसे स्टेशन मास्टर बनकर, बिल्कुल ज़रूर मिलिएगा, मैं भी मिलूँगा, है ना, मिठाई खाने का कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ मैं। चलिए चलिए दोस्तों, तो सेशन को शेयर करेगा कौन, पहली बात तो ये बताओ। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और कल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कौन कौन मेरे साथ लाइव रहेगा पहले ये बताओ मुझे। ठीक है आपका डाटा खत्म हो जाता है, ठीक है आपको गर्लफ्रेंड से बात करनी होती होगी, ठीक है आपको नींद आती होगी यार, लेकिन मैं आज आपकी क्लास लूँगा, कल सुबह वही 7 बजे जग के, 6 बजे जग के वही जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा अपनी जॉब पे, ऑफिस आने के बाद फिर रात को फुल नाइट में लाइव रहूंगा। मेरे भी परिवार हैं, घर बार हैं, लेकिन इस बार सोचा जन्मदिन ना दोस्तों के साथ मनाया जाए ना परिवार के साथ मनाया जाए, आप भी तो हमारा परिवार हो, इस बार का जन्मदिन इस परिवार के नाम। जब मैंने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते यार, बस मुझे कल यही देखना है, मुझे कल यही देखना है कि बच्चों का प्यार कितना मुझे मिल पाया और मैं कितने बच्चों के दिल तक पहुंच पाया। दिमाग तक तो बहुतों के पहुंच गया, जिन बच्चों को पता है कि इस मास्टर से पढ़ेंगे तो नौकरी लग जाएगी, और वो बच्चे केवल नौकरी लगने के लिए पढ़ते हैं और उतना ही संबंध रखते हैं। मुझे ये जानना है कितने बच्चों के मैं यहाँ दिल तक कितने बच्चों के पास पहुंचा, वो कल का लाइव काउंट मुझे बताएगा। और आप ही नहीं, आप कितने बच्चों को लेकर आते हो पकड़ पकड़ के, आप एक साथ कितने मोबाइल्स में चलाते हो, पूरी फैमिली के मोबाइल्स में चलाते हो या नहीं चलाते हो, ये मुझे कल देखना है। क्योंकि मैंने देखा है जब दूसरे चैनल्स पे क्लास होती है, एक बच्चा वीडियो बनाकर अपना भेजा, उसने 15-20 मोबाइल और लैपटॉप में एक क्लास एक टाइम पर चला रखी है, केवल इसलिए कि वो लाइव काउंट बढ़ाना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि मैं कितने बच्चों के दिल तक पहुंचा, क्लियर, कितने बच्चों के दिल तक पहुंचा, है ना। दिलकुश मीणा राम राम तो कर लो सर, बिल्कुल भाई बिल्कुल राम राम, है ना। तो कल है जन्मदिन, कल जन्मदिन है आपके साथ, जन्म रात मनाएंगे और यहीं पर केक कटेगा, यहीं पर सेलिब्रेशन होगा और यहीं पर पूरी रात मौसम चिल्ड रहेगा आपके साथ। डाटा बचा के रखना, नेट को छुपा के रखना, है ना, और क्या, लेने को क्लास तुम्हारी, सजना नहीं हूँ लेकिन मैं, है ना, मैं आऊँगा। ओके चलिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस समस्या कब होती है दोस्तों, ये समस्या है क्या? देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु को रखता, ये समस्या बड़ी खूंखार बड़ी डेंजर है, गर्भ रक्ताणु कोरकता ये समस्या होती है दोस्तों, जिनसे क्या होता है कि किसी महिला में पहली संतान तो जो है स्वस्थ पैदा हो जाती है, उसके बाद की संतानें पेट में मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, अगर एक आरएच पॉजिटिव पुरुष मेल, एक आरएच पॉजिटिव पुरुष की शादी एक आरएच नेगेटिव स्त्री से अगर हो गई, क्लियर, तो इस प्रकार के विवाह को अमेल विवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि संतानें, मान लो आरएच नेगेटिव संतान हुई तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिव की बॉडी में नेगेटिव जा सकता है, लेकिन जब फर्स्ट आरएच पॉजिटिव संतान होगी, फर्स्ट आरएच पॉजिटिव बेबी होगा, तो दोस्तों बेबी स्वस्थ पैदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था प्लस का ब्लड माइनस की बॉडी में नहीं भेजना। अब आपने प्लस बच्चे को डाल दिया माँ की बॉडी में, तो बताओ ब्लड तो कॉन्टैक्ट में आएगा, तो पहली डिलीवरी स्वस्थ इसलिए पैदा हो गई क्योंकि माँ की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थे,
इसलिए दोस्तों एंटीबॉडी नहीं बने होते, एंटीबॉडी नहीं बने होते, मां पहचान जाती है कि ये शत्रु है बट एंटीबॉडी नहीं बने होते। लेकिन जैसे ही पहली डिलीवरी हुई बीच में गैप मिल जाता है तो मां का शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। अब जो नेक्स्ट आपके पास आरएच प्लस पॉजिटिव संतान आएगी, नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव संतान आएगी तो दोस्तों एंटीबॉडी बने हुए हैं, उसकी आरबीसी का पाचन हो जाएगा, आरबीसी का डाइजेशन हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, भ्रूण की आरबीसी में ब्लास्ट हो जाना, पाचन हो जाना, इससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अब बचने के लिए क्या करें, जो फर्स्ट डिलीवरी है, पहला प्रसव हुआ है, पहले प्रसव के 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप एक इंजेक्शन लगाते हो, ये एलडीसी राजस्थान में पूछा गया, रोगाम इंजेक्शन, या इसको आरएचडी कहते हैं, या इसको एनटीआरएच कहते हैं, क्लियर, या इसको एनटीडी कहते हैं, पेपर में कुछ भी नाम आ सकता है, या इसके अंदर जो प्रतिरक्षी दिए जाते हैं उनका नाम है आईजीजी, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये रोगाम पेपर में आया था, क्लियर। तो ये कब होता है, जब मदर हो आरएच पॉजिटिव और बच्चा हो आरएच नेगेटिव। उल्टा कर रहा हूं या सीधा कर रहा हूं, उल्टा कर दिया, मदर आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, मदर आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, क्लियर। अब ये दोनों ही ऑप्शन शायद वही दे दिए हैं, मदर आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, हाँ ये दोनों ही ऑप्शन वही दे दिए है ना, तो आप दोनों ऑप्शन को आंसर कर लोगे भैया, ठीक है, बिल्कुल। चले आगे, चलिए चलिए बच्चों, विकास कुमार कोरी कह रहे हैं सर आप तो दिल में नहीं दिमाग में रहते हो, क्योंकि दिल तो बेवफा होता है। अरे कोई बात नहीं यार, चलिए। राहुल सैनी की क्या दुविधा है भाई, आप कह रहे हो दुविधा दूर करो, कौन सी दुविधा दूर करनी है, अब आपका कमेंट तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि आपकी दुविधा क्या है। मैं आज रिकॉर्डेड क्लास ले रहा था पर गलती से लाइव ले ली, कोई फर्क बड़ी बात नहीं है, है ना, लाइव क्लास वो है जो तुरंत चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास वो है जो पहले हो गई होती है ना। चले आगे, चलिएगा आगे बात करते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लीजिए सेशन को करिएगा शेयर अच्छे तरीके से, चलिए। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लास अलग कोर्स है, लाइव क्लास अलग कोर्स है ना, तो आप जो है हमारी जो कॉलिंग टीम है उससे एक बार कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि मैं प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा आप कौन से कोर्स में हो, क्या है, तो अभी यहां पे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन सा तत्व एकल परमाणु है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटमिक। एकल परमाणु का मतलब है दोस्तों जिसमें केवल एक ही परमाणु होता है, जिसमें केवल एक ही एटम है। अब जरा ऑप्शन देखिए, सल्फर दोस्तों, सल्फर का एक अणु 8 परमाणु से मिलकर बना होता है, सल्फर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन दोस्तों एच लिखोगे, हीलियम एच ही लिखोगे, नाइट्रोजन, अब देखिए अब गड़बड़ थोड़ी क्वेश्चन ने ये कर दी कि दोस्तों आपसे तत्व पूछ लिया एक परमाणु, लेकिन एक बात बताओ, हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें तो H2 होती है, नाइट्रोजन की बात करें तो N2 होती है, तो ये तो फिर भी आपको H2N2 एसेट के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन हीलियम दोस्तों गैस ले लो, तत्व ले लो, किसी भी फॉर्म में ले लो, ये हमेशा क्या रहेगी, एक परमाणु। पर हीलियम ही नहीं, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, जितनी भी इनर्ट गैसें, या हीलियम की जगह आर्गन होता तो आर्गन उत्तर करते, नियोन होता तो नियोन उत्तर करते, आंसर क्या बनेगा, हीलियम, क्लियर। क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे तत्व अगर पूछता, भाई साहब मोनोएटमिक पूछ रहा है, अगर तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन भी एक तत्व है, सल्फर भी एक तत्व है, हीलियम भी एक तत्व है, नाइट्रोजन भी एक तत्व है, क्योंकि तत्व तो सिंपल है, लेकिन अणु के रूप में बात की जा रही तो सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, हीलियम में 1 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हीलियम बनेगा, ठीक है बच्चों। आगे बात करें, राहुल सैनी धन्यवाद फॉर योर विशेस, और कल लाइव आके विश देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। राइबोज कितने कार्बन अणु वाली, राइबोज कितने कार्बन का अणु है, राइबोज इज अ मॉलिक्यूल ऑफ, अब यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, उत्तर यहीं पे दे दिया। देखो राइबोज, राइबोज सुगर कहां पाई जाती है, राइबोज सुगर आरएनए में होती है ना, क्लियर। और डीएनए में आपको पता है कौन सी होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज कैसे बना, राइबोज में से, राइबोज, राइबोज में से सेकंड कार्बन पर, राइबोज में से सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम, मतलब राइबोज जो होती है उसमें से अगर कार्बन संख्या 2 पर से एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। डी का मतलब हटना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज, जो दोनों पेंटोज सुगर है, कैसी सुगर है, पेंटोज, और पेंटोज का मतलब ही है कितने कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, तो आंसर तो आपका 5 बन गया,
है ना, क्वेश्चन दिया हुआ ही है बिल्कुल, है ना। रंजीत धाकड़ बिल्कुल, कल कुंडारा सर भी होंगे, मनीष नापित सर भी होंगे, वीर बहादुर सर भी होंगे, हमारा पूरा पूरा जो टीम है हमारी वो कल आपको देखने को मिलेगी एक साथ, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर बच्चों, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण है? निष्क्रिय गैसों के, कीटोन के, हैलोजन के, एल्केन के, बताइएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। मुकेश मीणा बिल्कुल, नाम लिवाना था आपको, ले दिया यार। चलिए अनीता कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र झा, आपको पूरी साइंस सीखनी है बिल्कुल, आप सीखिए आराम से, हमने तो पढ़ा रखी है और पढ़ाते रहेंगे, पढ़ा रहे हैं, है ना। कल की क्लास का टाइम रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है। अब सुबह तक तो आपको टिकाए रखना है, रात को 8 बजे जितने बच्चों को ला सकते हो आप, आपके दोस्त, आपके परिवारजन वाले जितने भी, मुझे लाइव काउंट हजारों में चाहिए कल। अब ये आपको लाना है, कैसे लेके आओगे? 10 मोबाइल में चलाओ एक साथ, 20 मोबाइल में चलाओ। कल मैं बस यही देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मुझे दिल से चाहते हैं। पढ़ने के लिए तो रोज आते हो, एक दिन आओ उसके लिए। कल भी वैसे तो मैं तो पढ़ाने ही वाला हूँ, लेकिन कल आपको आना है, लोगों को खींच के लाना है, घर के हर मोबाइल में क्लास को चलाना है, इसलिए क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने बच्चों का प्यार मेरे नाम लिखा है, ठीक है, वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन दोस्तों हैलोजन हैं, और ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 17 में आते हैं दोस्तों, ग्रुप 17 में आते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, जंतुओं को उनके हृदय कक्षों के आधार पर सही पहचानना है आपको। जंतुओं के, किस जंतु के हृदय में कितने कक्ष हैं, ये आपका पहचानना है। भक्ति सागर इंडिया, आपसे पर्सनल बात कैसे करूं? पर्सनल बात करनी है, फेसबुक आईडी है मेरी, बीके पाठक के नाम से, आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए प्लीज शेयर करें सेशन को बच्चों, और नाम जिनको जो कहते हैं नाम ले लो, उनका नाम अक्सर लेता नहीं हूं मैं, है ना, ठीक है, क्योंकि फिर सभी बच्चे यही कहते हैं सर नाम ले दो, नाम ले दो, क्या हो जाता है इससे यार, ऐसा ऐसा करो कि मुझे नाम लेना पड़े आपका, मुझे बुलाना पड़े आपको कि वाह भाई नौकरी लग गया है बंदा। सांप में दोस्तों 4 नहीं होते, 3 कक्षीय होते हैं। कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं। पक्षियों में 3 नहीं, पक्षियों में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुत्ते में दोस्तों 4 होते हैं, क्योंकि कुत्ता स्तनधारी है, करेक्ट है। तो डी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, सही मेल पहचानना है ना, बिल्कुल। एसपी यादव, टीपीओ का तो दोबारा वैकेंसी आने दो, हल्ला मचा देंगे हम, हल्ला, ठीक है। चलिए रंजीत धाकड़, क्लास 8 बजे चालू होगी, अब 6 घंटे चलेगी या 12 घंटे तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुमको मजा आए तो 12 खींचेंगे, तुम लोगों को मजा नहीं आया तो जब यार बच्चों को ही नहीं आया तो फिर ठीक है, कह देना मुझसे, है ना। चलिए क्लियर हो गई बात, अगला क्वेश्चन करते हैं। रक्त और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? ब्लड एंड बोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ब्लड और हड्डियां किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? मीनू शर्मा कह रही है, सेकंड ग्रेड के लिए साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं क्या? रीट में जो करवाया बिल्कुल 100% आया था, स्टेनोग्राफर 100% था, यूपीपीएससी प्री 100% उतरा था पेपर से, राजस्थान एलडीसी में लगभग 90% क्वेश्चंस लास्ट ईयर मिले थे, तो वही है, लेकिन सेकंड ग्रेड अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना मेरे पास टाइम है पढ़ाने का, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के पीसीएस लेवल कोर्सेज हम लॉन्च कर चुके हैं, तो उन पर काफ़ी जो लोड है वो मेरे माइंड पर और मेरे टाइम पर पड़ रहा है, तो उसके लिए लगातार रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, है ना बच्चों। तो चलिए, रक्त और हड्डियाँ उदाहरण है दोस्तों किसके? रक्त और हड्डियाँ देखिए, तंत्रिका ऊतक में आती हैं आपकी नर्व, आपकी तंत्रिकाएँ, है ना। मेरिस्टमेटिक ऊतक, विभज्योतक, ये तो पादपों में होता है, जंतुओं में होता नहीं है, है ना। एपिथेलियल ऊतक, उपकल ऊतक, ये आपकी त्वचा बनाता है। और संयोजी ऊतक दोस्तों 2 प्रकार का होता है, तरल और ठोस। तरल संयोजी ऊतक में आ जाता है आपका ब्लड, आपकी आ जाती है लिम्फ, लसीका, ब्लड, तरल संयोजी ऊतक। और ठोस संयोजी ऊतक में आ जाती है आपके हड्डियां, उपास्थि, कार्टिलेज, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? ये सब आते हैं आपके ठोस संयोजी ऊतक। तो ये क्या है? संयोजी ऊतक हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। चलिए, एक अचल स्थान से चलकर साइकिल का वेग 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना करो। देखो क्या क्या दिया हो, अचल स्थान का मतलब है प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग आपका हो गया 6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया, 30 सेकंड। तो बताओ ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी। V की वैल्यू कितनी है, 6, U की वैल्यू है 0, T की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो कितना हो गया, 6 अपॉन 30, बताइए क्या कर दीजिए, 1/5, 5 का भाग लगाया,
मीटर सेकेंड इनवर्स। अब देख लो ऑप्शन में मीटर सेकेंड इनवर्स 0.2 ये ऑप्शन रहा है ना, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, क्लियर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स -2, है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये आपका डेली का शेड्यूल है क्लास का, जिसमें 10 बजे से 11 बजे रीजनिंग की क्लास हर्ष कुंडारा सर लेते हैं, 11 से 12 में साइंस की मैथ्स की क्लास होती है सोम सर की, और साइंस तो 8 से 9 होती है आपके, ठीक है, ये शेड्यूल है आपका, इसको याद रखें। आपसे पूछा जा रहा है किन धातुओं के अतिरिक्त जो धातुएं हैं वो मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। सिंपल सी बात है, कौन सी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, है ना, और कौन सी है जो नहीं बनाती है, नहीं बनाती है पूछ रहा है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, अतिरिक्त, ठीक है। चलो भैया, है ना, बताइए, सेशन जितना आप कहेंगे उतना ले लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप आग तो लगाइए, आप सेशन को फैलाने का काम आपका है, बच्चे जोड़ने का काम आपका है, फिर सेशन जब तक आप कहोगे तब तक चलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है भैया कि किसके अतिरिक्त, अब आपने पढ़ा यार सोनार प्लेटिनम, देखो ये दोनों लगभग लगभग निष्क्रिय धातु हैं, निष्क्रिय धातु हैं, तो ये जब है ही निष्क्रिय है तो ये क्रिया करेंगे क्या ऑक्सीजन से, नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, क्या बताइए, बी, सिंपल, ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है, वक्त बुरा है तो क्या हुआ, अभी के पाठक सर जुड़े हैं, कम से कम अपनी सोच तो अच्छी है, ऐसा। चलिए भैया कोई नहीं, चलिए करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, देखेंगे आप हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता सबसे कम किसकी है, विच हैज द मिनिमम बॉन्डिंग विद हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो किसकी सबसे, बात वही है एडी स्टाइल्स, बात वही है ना, ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए प्रतिक्रिया कौन नहीं करता है, किसके अतिरिक्त, तो सोने के अतिरिक्त और प्लेटिनम के अतिरिक्त, बाकी सब कर लेते हैं लगभग, ठीक है। अब से पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन की बंधुता, दोस्तों आपको बताया था हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के साथ उससे कम होती है, और CO2 के साथ सबसे कम होती है, इसलिए जब आप बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब होने को कमरे में ऑक्सीजन भी है, कमरे में CO2 भी है, लेकिन हीमोग्लोबिन को मोहब्बत ज़्यादा किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसलिए हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है और आपकी बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गहरी नींद में लेकर जाती है और हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट सुसाइड गैस कहते हैं। तो सबसे कम किसके साथ है, CO2 के साथ है, सबसे ज्यादा किसके साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, ठीक है। आगे बात करते हैं किसी ट्रांसफार्मर की, बढ़िया क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो कुंडलियां होती हैं, है ना, पहली हो गई प्राइमरी कॉइल और दूसरी हो गई सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कुंडली में घेरों की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं NP, सेकेंडरी कुंडली में घेरों की संख्या को बोलते हैं NS। प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो वोल्टेज आप दे रहे हो ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर पहली बात तो AC पर कार्य करता है ना, और दूसरी बात ये क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाता है और या घटाता है, AC वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का काम करता है ना। अब इधर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा आपको, ES, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ट्रांसफार्मर फॉर्मूला है ES/EP बराबर NS/NP, मतलब दोनों कुंडलियों में घेरों की संख्या का जो अनुपात रहेगा वही अनुपात विद्युत वाहक बल का रहेगा। तो बताइए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आउटपुट वोल्टेज ES पूछा है, EP की वैल्यू क्या दी हुई है, 200 वोल्ट दी हुई है, NS की वैल्यू द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या 8, प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या 800, 200 से चला गया ये 4 बार, ये चला गया 2 बार, आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, चले आगे, 2 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये वो सेशन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, कल लगभग लगभग 10 से 12 घंटे मैराथन का प्लान है, फुल नाइट, और ये किस लिए, क्योंकि आपके गुरु का, आपके भाई का, आपके दोस्त का, जो भी आप मुझे मानते हैं, कल जन्मदिन है, और जन्मदिन तो आप अब तक काफ़ी बार आया, लेकिन जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि जन्मदिन कुछ अच्छे तरीके से मनाया जाए, लगे कि जन्मदिन मना है,
बच्चों का प्यार पाया जाए, कितने बच्चे प्यार करते हैं ये देखा भी जाए, है ना। तो एक तरीके से परीक्षा की घड़ी है मेरे लिए, क्योंकि बाकी लोग भी देख रहे हैं, वो सोचते हैं पाठक का तो बहुत बड़ा फैन बेस है, पाठक के तो बहुत लोग मतलब प्यार करते हैं, बहुत लोग रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत लोग सम्मान देते हैं। तो एक तरीके से एक स्वाभिमान वाली बात भी है कि कल का लाइव काउंट, कल के व्यूज़, कल का आपका प्यार कितना मिलेगा, ये बाकी लोगों को मैसेज देगा कि मैंने 3 साल के अपने ऑनलाइन टीचिंग करियर में, ऑफलाइन तो 7-8 साल हो गए, ऑनलाइन टीचिंग करियर में अलग अलग स्टेट्स में जो बच्चों ने कोर्सेज खरीदे हैं, यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ जो वीडियोज़ पर हैं, उसका कितना प्यार मुझे मिल पाया, ये मुझे कल की क्लास में खुद को भी पता करना है और इस जमाने को भी दिखाना है। अब वो कैसे दिखेगा ये आप जानेंगे, ठीक है। तो कल रात 8 बजे से सुबह दोस्तों 6 बजे तक का प्लान है YouTube पर, पहली बार इस तरह का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज के बारे में गलत बताइए। उच्च प्रतिरोध होता है, सही है। निम्न गलनांक होता है, सही है। पतला तार होता है, सही है। कनेक्टेड इन पैरेलल, दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्या फ्यूज को, यही गलत है। फ्यूज को समांतर क्रम में नहीं, फ्यूज को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। यही तो फायदा है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ही धारा की ओवरलोडिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्यूज का गलनांक कम होता है, वो पिघल जाएगा, पिघल के टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो सर्किट में धारा बंद हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे। चलिए क्लियर, बात समझ में आ गई, क्लियर। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, हाँ उनके मुकंदर के सफ़े कोरे नहीं होते, उनका मुकंदर कभी खाली नहीं होता, जो मेहनत की स्याही से लिखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, द साल्ट यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज, ठीक है। चलिए सर, जो लव करते हैं वो बताते हैं क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। देखिए प्रेम, मतलब लोग प्रेम को क्या मानते हैं आई डोंट नो, बट प्रेम एक अलग चीज़ है। माँ बाप का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, परिवार का प्रेम, दोस्तों का प्रेम, उसी तरह एक टीचर स्टूडेंट का प्रेम, मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ। और वो प्रेम दिखता है जब जब आप किसी विशेष दिन पर होते हो और आपके उस विशेष दिन को लोग खास बनाते हैं आपके लिए, तो दिखता है कि हाँ इन लोगों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है मेरा, इन लोगों की लाइफ में कुछ अहमियत मैं भी रखता हूं, बस उस प्रेम की बात यहां पर चल रही है। चलिए भैया ओके, चलिए है ना। तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में, सोडा एसिड इसका मतलब जनरली जिसके अंदर आपको क्या प्रयोग में लेना है, सोडा अम्ल फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र। काफी बार डिस्कस हुआ है कि दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किनमें किया जाता है, सोडा एसिड अग्निशामकों में, या सिंपली कह दे अग्निशामकों के अंदर। तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, यहां पर बी बनने वाला है, NaHCO3। फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3, काफी बार डिस्कस हो चुका। चलिए आगे बढ़े, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए प्रवीण कुमार कह रहे हैं सर आप कास्ट के बारे में राय क्या रखते हैं, कास्ट मैंने आज तक किसी की पूछी नहीं है, ना मैं किसी से पूछता, ठीक है भाई। आपकी जो भी जाति है आपको उसका गर्व होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप उस जाति का हिस्सा हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी जातियों से नफरत करें। खुद की जाति पर गर्व होना अलग है, दूसरों की जातियों से नफरत होना अलग है। सभी का सम्मान कीजिए, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, और हम पैदा हुए हैं तो हमारा खून कुछ अलग नहीं है कि एक जाति का खून अलग है दूसरी जाति का खून अलग है, सब पैदा हुए हैं। और एक हमारे जिनके घर में हम पैदा हुए उनकी जाति थी, वो जिनके घर में पैदा हुए उनकी कोई जाति थी, तो बस इसी तरह चला आ रहा है। ऊपर वाले ने, नेचर ने, प्रकृति ने तो कोई जाति बना के भेजी नहीं है, ये तो सारा हमने ही सिस्टम तय किया है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों, एक्टिनाइड होते हैं पीरियडिक टेबल में 92-103 तक, लैंथेनाइड होते हैं 58-71, हैलोजन होते हैं ग्रुप 17 में, लेकिन कार्सिनोजन होते हैं दोस्तों कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार घटक। आपसे पूछा जाए व्हाट इज कार्सिनोजन, तो वे घटक जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं दोस्तों। लेंगे स्क्रीनशॉट, आप आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से कहां रखे जाते हैं, स्पर्म्स आर टेम्पररी प्लेस्ड इन, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहां रखे जाते हैं। चलिए क्लियर, आरके टीचिंग फिजिक्स आपका अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया।
चलिए, मैं बड़ा होकर बौद्ध धर्म अपना लूंगा, कोई बात नहीं, जो आप चाहें अपनाएं, स्वतंत्रता होनी चाहिए और दूसरों से नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ऐसे लगता है कि मैं, हमारा धर्म, हमारी जाति बेस्ट है और बाकी के सब लोग जो हैं वो खराब हैं। यही रीज़न है कि हमारा देश आंतरिक रूप से दिखता है बाहर से अनेकता में एकता, लेकिन रियल में देखा जाए तो एकता में अनेकता है। दिखता एक है लेकिन एक है नहीं, अंदर से हम लोग बहुत लड़ रहे हैं, जाति के तौर पर, गोत्र के तौर पर, छोटे बड़े के तौर पर, और भी क्षेत्रवाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, क्या कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, चलिए, है ना। तो बात कर रहे हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है अपना, शुक्राणु, देखिए शुक्राणु का निर्माण की बात करेंगे, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, लेकिन याद कीजिए आपको पढ़ाया था शुक्राणु सक्रिय कहाँ होते अपने कार्य के लिए, शुक्राणु स्टोर कहाँ रहते अधिवृषण में, है ना। तो शुक्राणुओं का ट्रेनिंग सेंटर, शुक्राणुओं का प्रशिक्षण केंद्र भी किसे कहा जाता है, अधिवृषण को कहा जाता है, ये काफी बार डिस्कस किया है हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली अर्थ मेटल। देखिए इसका मतलब क्षारीय, क्षार मृदा धातु भी ले सकते हैं आप, है ना, पार्थिव धातु का मतलब वही है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक क्षार मृदा धातु नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली अर्थ मेटल, जवाब दीजिए। चलिए ओके भैया, राकेश कुमार मैं दे दूंगा, है ना, अभी तो क्लास में हूं, दिन भर ऑफिस में था, जब भी मैं देखूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। चलिए सर, आप उपदेश भी अच्छा देते हैं, संत गुरु बन जाइए। अरे यार मुझे पढ़ना ही नहीं इन चक्करों में, देश को बर्बाद करके रखा है बाबाओं ने, नेताओं ने, है ना, नेतार बाबा, दूसरे ठेकेदार जातियों के, जो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों को मैं लेके आऊंगा, धरना दे देंगे, आंदोलन दे देंगे, ठेकेदार, बच के रहो इनसे, है ना। कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु, तो बेटा क्षार मृदा धातु तो आती है यार ग्रुप टू में, और ग्रुप टू में तो बेटा मांग रहा है कार, बेटा मांग रहा है कार, मांग रहा है स्कूटी, मांग रहा है, या बेटा कन्या सुंदर मांग रहा है, और बाप क्या कर रहा है, रो रहा है। तो देख लीजिए, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, सोडियम, सोडियम किस ग्रुप में आता है, ग्रुप वन में आता है, क्षार धातु है बट क्षार मृदा धातु नहीं है, है ना, क्षार धातु है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों आपका, ए बन गया, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। चलें अगला पूछ रहा है एचआईवी की फुल फॉर्म, एचआईवी किसका वायरस है बताइए, एड्स का वायरस है, है ना, एचआईवी एड्स का वायरस है, एड्स का वायरस, और एचआईवी एक आरएनए वायरस है, याद रखना, कोरोना की तरह कोरोना का वायरस भी एक आरएनए वायरस है, और जो आरएनए वायरस होते हैं उनको रेट्रो वायरस कहते हैं, रेट्रो वायरस। तो एचआईवी एक पश्च विषाणु है, एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। चलें, बिल्कुल रेलवे के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं होते तो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, हम लगभग सारे कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, एडी स्टाइल कह रहा है सर मुझे आज तक सुंदर कन्या नहीं मिली, कोई बात नहीं, अच्छा है यार, है ना, नौकरी लग जा मिल जाएगी, और क्या, बिना नौकरी की नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। चलो देखिए, एचआईवी की फुल फॉर्म जनरली ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, ये एचआईवी की फुल फॉर्म है, है ना, ह्यूमन इम्यूनो, अभी इम्यून नहीं, अगर इम्यूनो होता ना तो हम ये भी उत्तर कर सकते थे, तो या तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलें अगला क्वेश्चन करें, डोब्रिनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया, तो आपको पता है डोब्रिनर ने क्या नाम दिया था दोस्तों, त्रिक नाम दिया था, ये मतलब इसके लिए जरूरत ही नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, और आपको दिमाग में केवल सिंपल ध्यान रखना है कि त्रिक दिया था, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे आज, देखिए कल रात को भी 11 बजे क्लास थी, कल रात को भी 11 बजे तक क्लास थी आपकी, है ना, मैराथन, और सुबह में वही जग के फिर ऑफिस से जगते फिर ऑफिस से आते फिर इधर आ गया, तो मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, तो अभी सिचुएशन ये है कि गला जो है दर्द कर रहा है, और फिर पता है कि कल फिर 10-12 घंटे पढ़ाना है, तो मतलब आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे, है ना, तो इसलिए ये है कि क्लास को एक दो क्वेश्चंस करके अपन क्या कर देंगे बताओ, ऑफ कर देंगे, है ना, और फिर अपन लोग जो है कल तो मिलने वाले हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है पृथ्वी पर, भार तो बताओ, W बराबर mg लगा दें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से, तो हो जाएगा 98 न्यूटन, है ना, ध्यान रखना kg नहीं लगाना, भार में न्यूटन लगाना है ना, या फिर kg भार ऐसे लिखाओ, 98 kg भार तो फिर भी सही है, लेकिन अगर ये kg kg है तो ये तो द्रव्यमान है, न्यूटन है तो ये भार है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर रहे हैं, देखिएगा अगला। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, बेटा प्रतिरोध मत समझ लेना, प्रतिरोधकता ओम मत कर देना, प्रतिरोधकता पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध रो, और विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर का प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एल लंबाई, लंबाई का मीटर, मीटर से स्क्वायर गया, क्या बचा? ओम मीटर। क्या बचा बताइए? ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, लील सिंह यादव कह रहे हैं आपकी साइंस की क्लास का दीवाना हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप दीवाने हो गए, अच्छा है ना, मैं तो चाहता ही हूँ सारे लोग दीवाने हो जाएं, पढ़ें अच्छे से। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल के लिए आपसे विशेष, मतलब जनरली बिना कहे आ जाना चाहिए था आपको, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। और दिन आप करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, कल आप कीजिएगा, क्योंकि कल थोड़ा सा दिखाना है लोगों को कि हाँ भाई थोड़ा 3 साल के टीचिंग करियर में नाम, प्यार और बच्चों के दिल में जगह मैंने भी बनाई है, मैं ये चाहता हूँ। तो कल रात को 8 बजे से आपको मैक्सिमम संख्या में उपस्थित होना है, और मैक्सिमम संख्या में जिसे फोर्स करके ला सकते हो, पकड़ के ला सकते हो, उसे लाइव क्लास में लेके आना है। व्हाट्सएप फेसबुक के आपके स्टेटस पर हमारी क्लास की लिंक कल होनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी तो भैया जो ऊपर वाला करे वो सब सही, बाकी तो जो किस्मत में लिखा है वो होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आपका प्यार कल देखने को मिलेगा, कितना कितना प्यार आप करते हो, बाकी बात करेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।